चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में भी मुस्कुराने का और खुश रहने का सामर्थ्य आप में आ जाएगा। केवल आपको आज के इस कहानी में बताई गई विधि को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और इन सभी परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए हम यहां वहां भागते रहते हैं ताकि हमें कहीं से कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हम अपनी समस्या का समाधान कर सके। हम हर किसी से यह उम्मीद लगाते हैं कि वह हमारी परेशानी में हमारा साथ देगा, किंतु ऐसा होता नहीं और हमारी उम्मीद आखिरकार टूट ही जाती है और तब हमारी जो बची कुची खुशियां हैं वह भी हमसे दूर चली जाती हैं। हम उन खुशियों को पाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, तरह तरह की तरकीबें लगाते हैं, परंतु वह खुशी है कि वापस आने का नाम ही नहीं लेती। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक नवजात बच्चा, उसके माता और पिता रहते थे। वह बहुत ही गरीब था और उसका घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वो रोज मजदूरी करने के लिए बाहर जाता, कभी उसे दिहाड़ी पर काम मिल जाता तो कभी नहीं। वह व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान था और तभी एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई और तब उस व्यक्ति को यह समझ में आया कि आखिर उसके दुखों का कारण क्या है। उसे यह अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर खुश होना है, अगर जीवन को खुशहाली के तौर पर बिताना है तो पैसा तो चाहिए ही। और तब उसने यह तय किया कि वह जल्द ही एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे वह जल्द से जल्द अमीर बन सके, जल्द से जल्द बेहद पैसा कमा सके। वह इसी सोच के साथ यहां वहां घूमता रहा। उसने तरह तरह के कामों की तलाश की लेकिन उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे वह जल्द से जल्द अमीर बन सके, जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमा सके। एक दिन निराश होकर वह जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, तब भी उसने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को लूट रहा है। वह उससे उसका सारा धन छीन रहा है। यह देखकर वह व्यक्ति वहीं पर स्तब्ध खड़ा रहा। वह युवक उस लुटेरे को देखता रह गया, किस प्रकार वह लुटेरे उस औरत से उसके स्वर्ण के आभूषण छीन रहा था। यह देखकर उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया, यदि मैं भी यही कार्य करूं तो मेरे पास भी बहुत जल्द बहुत पैसा होगा और मैं भी बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन से ही उसने यह कार्य करना भी शुरू कर दिया। वह जंगल के रास्ते आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा और ऐसा करने से देखते ही देखते उसके पास अधिक धन दौलत इकट्ठा होने लगी। उसके घर की स्थिति भी अब सुधरने लगी। पहले वही वक्त दो वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन अब वह अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखने लगा है। उसने अपना एक बड़ा घर बनवाया, अच्छे कपड़े पहनने लगा, अच्छा खाना पीना सब कुछ उसके पास था। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश था कि आखिरकार उसने अपने जीवन में वो खुशियां पा ही ली जिसकी वह चाहत रखता था। देखते ही देखते समय बीतने लगा और समय के साथ साथ उसके घर में लड़ाई झगड़े भी बनने लगे थे। उसकी मां और उसकी पत्नी के बीच में हर रोज किसी ना किसी बात को लेकर बहस हो ही जाती। छोटी छोटी बातों को लेकर वे लोग आपस में लड़ने और झगड़ने लग जाते। इसी प्रकार छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाया करती। इसी प्रकार हम भी अपना जीवन जी रहे हैं। हम भी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और इससे यह पता चलता है कि हम किस कदर बेहोश हैं। हम अपने जीवन को जागरूक होकर नहीं जीना चाहते। यदि हम जागरूक होकर अपना जीवन जिए तो हमें यह अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि जीवन बहुत छोटा सा है और इसे हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं और खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कैसे? खुद दुखी होकर, और जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे भला खुशियां क्यों मिलेंगी? और ऐसा व्यक्ति दूसरों को और दे भी कह सकता है। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन से भी खुशियां अब दूर चली गई थीं। वह सबको यह समझा समझा कर थक गया था कि इन छोटी छोटी बातों में आखिर क्या रखा है, इन बातों के लिए झगड़कर आखिर आप लोगों को क्या मिल जाएगा। पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं रहा था। एक दिन सुबह सुबह उसकी माता और उसकी पत्नी में अचानक यूं ही लड़ाई हो गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया और क्रोधित होकर घर से निकल गया।
वह एक बात सोचते हुए आगे जा रहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने खुद से यह सवाल किया कि मैंने यह सब क्यों किया, किसके लिए किया, जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की। आज वही लोग घर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये जो धन दौलत मैंने इकट्ठी की है, आखिर इनका क्या फायदा? जब इस धन दौलत से मुझे खुशियां नहीं मिल सकती, तो आखिर इसके पीछे भागने का क्या मतलब? धन दौलत में खुशियां नहीं है? इससे ज्यादा खुशी तो तब थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब था, कम से कम मेरा परिवार हमेशा खुश तो रहता था। यह सोचकर उसने तय किया कि आज से वह कभी किसी को नहीं लूटेगा और आज से वह इस लूटपाट के कार्य को बंद कर देगा। और उसने ऐसा ही किया। अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करता था, ना ही कभी किसी को लूटता था। वह हमेशा घर पर बैठा रहता और धीरे धीरे देखते ही देखते धन की कमी होनी शुरू हो गई, यहां तक कि उसका घर का सारा सामान भी अब बिकने लगा था। किंतु अभी उस गरीब व्यक्ति के मन में यह विश्वास था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते उसके घर के हालात बद से बदतर होने लगे। परिवार का हर एक सदस्य अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था, एक दूसरे को दोष दे रहा था, यह सब तेरी वजह से ही हो रहा है, यदि तूने ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा ना होता। हर कोई एक दूसरे को ताने मार रहा था, हर कोई हर किसी को तरह तरह की बातें सुना रहा था। खुशियां तो मानो उसका घर अब पता तक भूल गई हो। और बहुत दिनों के बाद भी जब सब कुछ सही नहीं हुआ, तब वह व्यक्ति परेशान होकर घर से बाहर निकला ताकि वह दो पल खुशी और सुकून के साथ बिता सके। और देखते ही देखते उसके मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। वह यह सोचने लगा कि यदि मैं घर से दूर रहूंगा तो शायद मेरी खुशियां वापस लौट आएंगी और मुझे सुकून भी मिलेगा। यही सोचकर वह कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने लगा। कुछ दिन तो उसे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, लेकिन उसके बाद अचानक वह फिर से दुख में चला गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर वह यह सोच रहा था, मुझे लगता है कि घर पर अब सब कुछ ठीक हो चुका होगा, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रहे होंगे, वह मुझे न जाने कहां कहां ढूंढ रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, इसलिए मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वह अपने घर की ओर चल देता है। और जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचता है, तभी उसे एक बार फिर से लड़ाई झगड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। वे सभी आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, उसके चले जाने का कारण तू ही है, तेरे ही कारण यह सब हुआ है। इसी प्रकार वे सभी एक दूसरे पर यही इल्जाम लगा रहे थे, एक दूसरे को दोष दे रहे थे, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति को ढूंढने की चिंता या फिक्र नहीं थी। बल्कि उन लोगों को इस बात की चिंता थी कि वह किसकी वजह से गया। यह सुनकर उस व्यक्ति का दिल मानो टूट सा गया। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से निराश हो गया। और तभी उसकी नजर अपने छोटे बच्चे पर पड़ी, जो अपने छोटे छोटे पैरों से यहां वहां भाग रहा था और खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। एक वही था जो वहां पर पूरी तरह से खुश था। उसे उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बहुत छोटा सा था। अपने बच्चे को इस तरह से देखकर उसका मन पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि एक बार जाकर उसे गले लगा लेता हूं, मैं इतने दिनों से उससे दूर था, कम से कम गले लगाने से मेरे मन की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और रोता हुआ वहां से वापस लौट गया। और अब उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह घर तभी लौटेगा जब उसे सच में खुशियां मिल जाएंगी। वह खुशी की तलाश में यहां वहां भटकता रहा, लेकिन उसे खुशी कहीं नहीं मिली। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना और तब उसके मन को बड़ी राहत मिली। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। वह जानता था कि बुद्ध सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वह सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिस कारण उस व्यक्ति के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने तय किया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा और उसने अगले दिन ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। और वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, आप कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, मेरी भी एक समस्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या आखिर यह खुशी कहां मिलती है?
मैं अपने परिवार के लिए खुशी ले जाना चाहता हूं। मैंने खुशी की तलाश कहां कहां नहीं की, मैं यहां से वहां भटकता रहा, लेकिन अब तक मुझे खुशी का कोई पता नहीं मिला। एक अरसा बीत चुका है, मेरे घर में हर रोज झगड़े ही होते हैं, खुशी का तो मानो नमो निशान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उसी वक्त की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी व्यक्ति से कहते हैं, भंते मेरी भी एक चीज खो गई है, अगर तुम उसे मुझे खोजने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी खुशियों को अवश्य ही तुम्हें खोज कर दे दूंगा। इस पर वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है, है बुद्ध, बताइए वह कौन सी चीज थी, मैं उसे ढूंढ कर ला दूंगा। इस पर बुद्ध कहते हैं, एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था और वह पत्थर उस बच्ची को बहुत प्यारा था और उसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे भेंट की थी और वह मेरे लिए बहुत कीमती था, लेकिन देखो मेरी अज्ञानतावश मैंने उसे खो दिया, अब मैं उस पत्थर को कहां खोजूं। तभी वह युवक बुद्ध से कहता है, है बुद्ध, बताइए आपने आखिरी बार वह पत्थर कहां देखा था। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था और उसके बाद वह पत्थर न जाने कहां चला गया। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही भागा भागा उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा और वहां पर उस सफेद पत्थर की तलाश करने लगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, भंते भले ही मैंने वह पत्थर उस पेड़ के नीचे खोया हो, लेकिन तुम्हें वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं खोजना है, तुम उस जगह को छोड़कर इस दुनिया में कहीं भी उस पत्थर को खोजो और जब मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना। और हां याद रहे, वह पत्थर बिल्कुल छोटा सा और सफेद था जिस पर खुशी लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने वहां पर बुद्ध की बात मान ली, उसने उस पेड़ के नीचे ना जाकर आसपास की जगहों पर देखने लगा। उसने पूरा दिन यूं ही निकाल दिया, उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देखते ही देखते वह एक बार फिर उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। तभी उसे महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई कि उसे वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं ढूंढना है। तभी वह मन ही मन सोचने लगा, बुद्ध बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, जो चीज जहां है अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूंगा तो वह मुझे कैसे मिलेगी, और उस चीज को वहां ना ढूंढकर कहीं और कैसे ढूंढा जा सकता है। आखिरकार हार कर वह बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, है बुद्ध, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, जो चीज जहां खोई है अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूंगा तो मुझे कैसे मिलेगी, और आप कहते हैं कि उसे उस पेड़ के नीचे ना ढूंढो जहां वह खोई है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, भला ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर जो चीज जहां खोई है वह मुझे वही तो मिलेगी, पूरी दुनिया में उसे खोज कर मैं क्या करूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध बड़ी अचरजता से उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या उस पत्थर को नहीं ढूंढा जा सकता। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हां बिल्कुल, उस पत्थर को पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो ठीक है, चलो उस पेड़ के नीचे ही ढूंढ लो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह बात मानकर तुरंत ही उस पेड़ के नीचे गया और थोड़ी ही देर में उसने वह छोटा सा पत्थर ढूंढ निकाला, जिसे पाकर वो बहुत खुश था। उसे लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास आया और वो पत्थर महात्मा बुद्ध के हाथों में रखते हुए उसी वक्त महात्मा बुद्ध से कहता है, है बुद्ध, लीजिए मैंने आपका पत्थर खोज लिया, अब आप मुझे मेरी खुशियां ढूंढ कर दीजिए जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था। यदि मैं आपका पत्थर ढूंढ लूं तो आप मुझे मेरी खुशियां भी ढूंढ कर दे देंगे। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और इस व्यक्ति से कहते हैं, भंते मैं तुम्हें कब से तुम्हारी खुशियां ही तो लौटाने का प्रयास कर रहा हूं, जो चीज जहां खोई है उसे वहां ना ढूंढकर यदि हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढे तो वह हमें कहीं नहीं मिल सकती, उसे तो हमें वहीं पर खोजना पड़ेगा जहां वह खोई है, और यही कारण है कि तुम्हारे कितने ही अथक प्रयासों के बाद भी तुम अपनी खुशियों को खोज नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने उन्हें कहीं और खोया है और तुम उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वह खुशियां मिल जाएं। इस पर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, है बुद्ध, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, आप यह कह रहे हैं कि मैंने अपनी खुशियां कहीं और खोई हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मैंने अपनी खुशियां कहां पर खोई हैं।
और मुझे क्यों नहीं पता कि वह कहां पर है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध अपने स्थान से खड़े हुए और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक छोटे से पेड़ के पास ले गए और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते क्या होगा, अगर मैं इस पेड़ के सारे तनु को काट दूंगा क्या यह पेड़ वापस बड़ा नहीं होगा। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आखिर वह पेड़ क्यों नहीं बड़ा होगा, उसकी शाखाएं बिल्कुल सही सलामत हैं और ऐसे में यदि उसे पानी और खाद फिर से मिलेगी तो वह पेड़ फिर से एक बार बड़ा हो जाएगा, उसके सारे तनी एक बार फिर लौट आएंगी। तभी महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या मैं इस पेड़ के कुछ शाखाओं को काट दूं, क्या ऐसा करने से यह पेड़ फिर बड़ा नहीं होगा, क्या ऐसा करने से इसकी शाखाएं फिर से तैयार नहीं होंगी। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसकी शाखाएं एक बार फिर से निकल आएंगी और यह पेड़ एक बार फिर से बढ़ने लगेगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो मैं क्या करूं, क्या मैं इसका मुख्य तनाई काट दूं, क्या ऐसा करने से यह पेड़ समाप्त हो जाएगा। बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, है बुद्ध, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो इतने ज्ञानी हैं फिर भी आप एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, यदि आपने इसके मुख्य तने को काट भी दिया तब भी यह पेड़ समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि आपने इसे जहां से काटा होगा वापस फिर से इसकी वहां से शाखाएं फूटने लगेंगी और एक बार फिर से यह पेड़ बड़ा होने लगेगा। हां, इसमें समय जरूर लगेगा लेकिन यह पेड़ बड़ा जरूर होगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो बनते हुए क्या करूं, आखिर इस पेड़ को मैं कैसे समाप्त करूं, तुम ही मुझे बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, इस धरती के भीतर इसके जो जड़े मौजूद हैं वह इस पेड़ को संचालित कर रही है और वे यह निर्धारित कर रही हैं कि यह पेड़ ऊपर से कैसा दिखाई देगा, इसका आकार कैसा होगा, इसकी मजबूती कितनी होगी। जब तक उस जड़ को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह पेड़ वापस धरती के ऊपर निकलता ही रहेगा। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और इस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा भंते, जिस प्रकार इस पेड़ की जड़ें धरती के भीतर हैं उसी प्रकार मनुष्य की जड़ें भी उसके ही भीतर होती हैं। यदि उसे बाहर कोई भावना नहीं दिखाई दे रही तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जड़ों में ही कोई कमी है, अर्थात जिस प्रकार तुम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हो और वह तुम्हें नहीं मिल रही और मिलेंगी भी कैसे, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर से खुश नहीं रहोगे तब तक बाहर किसी भी चीज में तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, तब तक बाहर की किसी भी चीज में तुम्हें वह खुशी नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, है बुद्ध, आप सत्य कहते हैं लेकिन बाहर के हालत, बाहर के वातावरण हमारी खुशियां हमसे छीन लेते हैं, ऐसे में हम क्या करें। इस पर बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ये सब तुम्हारा भ्रम है, इस पेड़ को देखो, एक समय ऐसा भी आता है जब इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर एक और समय आता है जब इस पेड़ पर हरे भरे नए पत्ते आते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और इससे तुम ये समझ सकते हो कि बाहर की स्थितियां केवल कुछ समय के लिए परिवर्तित जरूर होती हैं, पर वह भीतर की उस शक्ति को, वह भीतर की उस परिस्थिति को बाहर आने से रोक नहीं सकती। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है, फिर चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे तुम पर दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़ा हो, तुम उन परिस्थितियों में खुशियां ढूंढ ही लोगे। तुम्हारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, केवल अपने भीतर झांको, अपने अंतरात्मा में अपनी खुशी को ढूंढो। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, है बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा में खुशी कैसे ढूंढ सकता हूं, मुझे तो अपने भीतर उतरना आता ही नहीं। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम किसी को लड़ते या झगड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा मन करता है कि मैं वहां से कहीं दूर चला जाऊं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, जब तुम किसी को प्रेम भरी बातें करते हुए देखते हो तब तुम्हें कैसा लगता है। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है,
तभी महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते यही तो कारण है जो तुम्हारे अंतर मन में परिवर्तन ला रहा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंतर मन परिवर्तित हो जाए तो बाहर की चीजों से संबंध खत्म कर दो, ध्यान करो, अपने आप पर ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांको, बाहर की चीजों को यूं ही छोड़ दो। बाहर की चीजों से यदि सहायता लेनी है तो ऐसी संगत कर जो तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने में मदद करे, ध्यान करने में तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे भीतर उतरने में वह तुम्हारी सहायता कर सके। अच्छे लोगों और अच्छे विचारों की तरफ आगे बढ़ो, भूतकाल में जो हो चुका उसे छोड़ दो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति बुद्ध के हर एक उद्देश्य का पालन करना शुरू करता है और देखते ही देखते केवल कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगता है। वह अपने चारों ओर खुशियां महसूस कर पाता है। देखते ही देखते यूं ही समय बीतने लगा और समय के साथ साथ वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगा था और अब वह खुशी को अपने घर ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली और फिर से एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अब जब घर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में न तो उसे कोई परेशानी थी और ना ही कोई चिंता। वह तो मस्त था, हर पल खुश था और वह अपने घर को भी ऐसा ही बना देना चाहता था। उसे अपने बेटे के छोटे छोटे चलते हुए कदमों की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि घर जाकर उसे गले लगा लूंगा। वह मस्त होकर आगे बढ़ रहा था कि जैसे ही वह नगर की सीमा में प्रवेश करता है तभी उसे एक व्यक्ति पहचान लेता है। उसने पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ लूटपाट की थी और उस दौरान उसके साथी की मृत्यु भी हो गई थी। उसने तुरंत ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसके अपराधों के बारे में पूछा तो उसने वो सारे अपराध खुशी खुशी स्वीकार कर ले। राजा ने तुरंत ही उसे मृत दंड दिया, उसे फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। और जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजा, मुझे बस मेरे बच्चे से एक बार मिलना है। मैं उसे एक बार गले से लगाना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं मृत्यु को खुशी खुशी प्राप्त कर पाऊंगा। राजा ने उस युवक की बात मान ली। तुरंत ही उसके घर पर सूचना दे दी गई। उसके घर वाले बच्चे को लेकर वहां पहुंच गए। उसके सभी परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन वह खुश था। उसने अपने बच्चे को देखा और उसने तुरंत ही उसे उठाकर गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। और वह अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, अब तुम ही हो, तुम्हें ही सबका ख्याल रखना है, सबका ध्यान रखना। तभी वह बच्चा रोते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप कहां थे? मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप मुझसे मिलने कभी नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अपने पुत्र के मुख से यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और जाते जाते वह अपने परिवार वालों से कहता है, जिंदगी खुशियों से भरी है, छोटी है, लेकिन इसमें चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां हैं। इसे दुख में बर्बाद मत करो, बल्कि हर पल को खुशी से जियो। इस तरह से यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाओगे। इसीलिए जब तक जिंदा हो, इस जीवन को खुशी खुशी जियो, क्योंकि यह समय वापस नहीं लौटने वाला। वह व्यक्ति अपने परिवार से बातें कर ही रहा था कि तभी राजा के आदेश पर सैनिकों ने जबरदस्ती उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया। उसका परिवार यह नजारा देखता रह गया। वे लोग चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। वे अच्छी तरह से समझ चुके थे कि इन सब का कारण कौन है। दोस्तों, आप में से हर कोई बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपको इतना कीमती जीवन मिला है। इस जीवन को यूं ही दुखों में बर्बाद क्यों कर रहे हो, बल्कि इसे तो हमें खुशियों के साथ जीना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर जीना चाहिए। लेकिन हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ते और झगड़ते रहते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जिस पल को हमने बर्बाद किया है, वह पल, वह समय दोबारा नहीं लौटने वाला। इसलिए आज और इस पल को खुशी खुशी जिए, और जब भी आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या लड़ने झगड़ने वाली भावनाएं उत्पन्न हो, तो तुरंत ही अपने आप से कहें कि मैं भाग्यशाली हूं, मुझे इतना कीमती जीवन मिला है और मैं अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करने वाला। तो दर्शकों, जिंदगी की असली खुशी पाने के रहस्य के ऊपर
अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर का राजा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसका राज्य बहुत छोटा सा था और वह राज्य बहुत आकर्षक और वहां के लोग भी बहुत खुशहाल थे। वह अपने राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, जिस कारण आसपास के सभी राज्य उस राज्य पर अपना हक जताना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। और इसी कारणवश उस राज्य का राजा बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि उसके चारों तरफ केवल शत्रु ही शत्रु थे। अपने इन्हीं दुखों से परेशान होकर एक दिन वह अपने गुरु के पास जा पहुंचा और राजा ने अपनी इस समस्या का समाधान मांगा। इस पर उन गुरु ने राजा को ध्यान करने के बारे में बताया, राजा को ध्यान का महत्व समझाया। राजा ने यह तय कर लिया कि वह कुछ दिन वहीं आश्रम में ठहरेगा और ध्यान अच्छी तरह से सीख कर ही वापस महल जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। वह अगले कुछ दिनों तक वहीं आश्रम में ठहरा और अच्छी तरह से ध्यान सीखने के बाद वह वापस महल लौटा। ध्यान के पश्चात राजा के मन में एक अजीब सा सुकून था और वह रोज राजमहल के सारे कार्य निपटाकर ध्यान किया करता और इस प्रकार धीरे धीरे उसकी समझ का दायरा बढ़ता चला गया। अब वह चिंतित नहीं रहता था और ना ही अब वह परेशान रहता, बल्कि अब तो वह पहले से खुश रहने लगा था, मुस्कुराने लगा था। इसी प्रकार समय बीता चला गया और कुछ महीनों बाद वह इतना ज्ञानी हो चुका था कि उसे अज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगा था। और जब भी राजा से किसी कार्य को लेकर कोई राय मांगी जाती तो वह सत्य कहता, जिस कारण राज दरबार और महल के सभी लोगों को अब राजा पागल समझ में आने लगा था। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और तभी एक दिन राजा की माता का निधन हो गया। राज दरबार और महल के सभी लोग रो रहे थे, चारों तरफ मातम छाया हुआ था, लेकिन वहीं पर वह राजा पूरी तरह से संतुष्ट था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अपनी माता को इस प्रकार देख अचानक राजा के मुख से निकलता है, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरी माता मेरे साथ इतने दिनों तक रही, मैंने अपनी माता के साथ बहुत अच्छा समय बिता है और अब जब वह मेरे पास नहीं है तो आप उन्हें अपने पास स्थान देना। राजा की ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। राजा को अपनी माता के जाने का तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। पर फिर भी किसी ने राजा से कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते करीब एक महीना और बीता और तभी एक दिन उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब यह खबर राजा तक पहुंची तब वह राजा मुस्कुराते हुए कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरी पत्नी सही सलामत है, उसे बचाने के लिए, उसे सही सलामत रखने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह देखकर राजा के मंत्री से रहा नहीं गया और वह राजा से पूछ बैठा, हे राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको आपके होने वाले बच्चे के जाने का दुख नहीं है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए जवाब देता है और कहता है, मंत्री जी, जो कभी आया ही नहीं उसके जाने का कैसा दुख, बल्कि जब वह गर्भ में था तो उसके होने का एहसास बहुत अच्छा था। वह पल, वह समय बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। राजा की यह बात मंत्री को समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने राजा से आगे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ और दिन भी बीते और तभी अचानक एक दिन उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। यह देख उस राज्य की प्रजा और वह पूरा राज्य दरबार चिंतित था, सभी परेशान थे, सभी इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। लेकिन राजा अब भी मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और राजा अपने सभी राज्य दरबारी और अपनी प्रजा से कहता है, घबराइए मत, आज वह समय आ गया है जिसके लिए हम बने हैं। हम जानते हैं कि हमें हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी, तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? ये तो खुश होने वाली बात है कि हम जैसे वीरों को यह मौका मिला है। हम अपने राज्य की रक्षा अवश्य करेंगे, हम जी जान से लड़ेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़े। इसलिए आप सबसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबके साथ बिताया गया हर एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेरी ताकत हैं और आप ही से मैं हूं और मैं आपका राजा हूं, इसलिए मैं अपना 100% लगा दूंगा और इस युद्ध को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह राजा और वहां पर उपस्थित सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हुए।
सभी लोग युद्ध भूमि पर पहुंचे और करीब दो दिनों तक खूब घमासान युद्ध हुआ। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, उसके सैनिक उसके योद्धा बहादुरी से लड़े, परंतु उस छोटे से राज्य की सेना उस बड़े राज्य की सेना का सामना ना कर पाई और दो दिनों के अथक प्रयासों के बाद अपने कई वीर सैनिकों को खोने के बाद वह युद्ध हार ही गए। उस राजा को बंदी बना लिया गया और दूसरे राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन वह राजा अब भी संतुष्ट था, उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और इस प्रकार दरबार में उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर राजा के मुस्कुराहट का कारण क्या है, और उस राजा की यह मुस्कान देखकर वह दूसरा राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने पूछा, तुम हार चुके हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आज तुम मेरे सामने इसलिए पेश किए गए हो कि मैं तुम्हें मौत की सजा दूं, क्या तुम अपने जीवन की भीख नहीं मांगोगे? इस पर वह बंदी राजा उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, मैं अपने जीवन की भीख क्यों मांगू, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मैं तो बहुत खुश हूं। इस पर वह दूसरा राजा प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों, जिस राज्य के तुम राजा थे अब वह राज्य तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि अब तो वह मेरा हो चुका है, और उसके बाद भी तुम्हें कोई गम नहीं, तुम्हें कोई दुख नहीं, आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह बंधी राजा उस राजा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आप जैसे परमवीर योद्धा और एक महान राजा की देखरेख में आज से मेरी पूरी प्रजा सुरक्षित रहेगी और अपने जीवन में आगे विकास करेगी। भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जो जिम्मेदारियां आज तक मेरे ऊपर थी, जो मुझे पूरी करनी थी, अब वह आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है। अब मैं उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूं तो खुश होने वाली बात नहीं, और आज तो मैं यह भी समझ चुका हूं कि ना तो इस दुनिया में कोई राजा होता है और ना ही कोई भिखारी, यहां तो बस उसके हालात होते हैं, उसके हालात ही उसे राजा और भिखारी बनाते हैं, और यह समय बहुत तेजी से बदल जाता है। यह ऐसा है मानो जैसे मैं अपने हाथों से रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह बार बार मेरे हाथों से फिसल ही जाती है और मैं बार बार उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं, सोचता हूं कि वो मेरे हाथों में इकट्ठा रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और सोचिए, यदि मैं जिंदगी भर बस यही करता रहूं तो आखिर मुझे जीवन में क्या मिल पाएगा? यह समय जो आज आपके हाथों में, यह कल किसी और के हाथों में होगा, और इसी तरह से वह कल किसी और के हाथों में चला जाएगा। इस बात को मैं अच्छी तरह से जान पा रहा हूं, इसे देख पा रहा हूं, और इसी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। उस बंदी राजा की यह बात सुनकर वह दूसरा राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, और फिर वह उस बंदी राजा से कहता है, हे राजन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, तुम्हारे जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा, भले ही आज तुम्हें मेरे सामने बंदी बनाकर लाया गया हो, किंतु आज भी तुम एक राजा ही हो, इसीलिए मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? इस पर भूपेंद्र जी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मेरे उन बंदी योद्धाओं और मेरे परिवार को मुक्त कर दीजिए, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। इस पर वह दूसरा राजा प्रसन्नता से उस बंदी राजा से कहता है, ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारे उन बंदी योद्धाओं को मैं मुक्त कर दूं तो मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु मैं ये चाहता हूं कि आप और आपके योद्धा मिलकर हमारे साथ मिलकर युद्ध लड़े और हम पूरी दुनिया पर जीत हासिल करें। इसके जवाब में वह बंदी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं, मेरे योद्धा मेरे सैनिक आपकी सेवा में अवश्य रहेंगे, जो आपके साथ रहना चाहते हैं वह रह सकता है, और रही बात मेरी तो मैंने अब वास्तविकता को देख लिया है, उसे अच्छी तरह से जान लिया है, और मैं एक ही गलती बार बार नहीं दोहराना चाहता, मैं अब यहां से जाना चाहता हूं और मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं। इस पर वह दूसरा राजा उस बंदी राजा से कहता है, परंतु क्यों, तुम मेरे आधे दिन होकर इस राज्य को चला सकते हो और अपनी प्रजा की देखरेख कर सकते हो। वह बंदी राजा उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, जिसे आप मेरा राज्य कह रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि कुछ देर पहले आपने वह राज्य मुझसे जीत लिया है, और अब ना तो यह मेरा राज्य है और ना ही यह मेरी प्रजा है, आपसे सब कुछ आपका है।
इसलिए अब आप ही को इनकी देखरेख करनी होगी, आप ही को इनका ख्याल रखना होगा। बंदी राजा के मुख से यह सुनकर वह दूसरा राजा खुशी खुशी उस बंदी राजा को रिहा कर देता है और उसके बाद वह राजा अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। वह उस राज्य की सीमा पर जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाता है और वहीं पर वह और उसकी पत्नी रहकर ध्यान साधना करते और साथ ही राजा कुछ युवाओं को युद्ध की कला का अभ्यास भी करा रहा था जिससे उनका गुजारा चल रहा था। देखते देखते समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पर वह राजा कहता है, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, तो फिर से मेरे जीवन में इतने छोटे छोटे कदमों से वापस आया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और वह राजा एक मंदिर के बाहर जाकर बैठा था। वह राजा कभी किसी मंदिर के भीतर नहीं जाता था, वह हमेशा मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहता था। तभी उस राजा ने देखा कि कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ धन मांग रहे हैं, कुछ औलाद मांग रहे हैं, कुछ मान पद प्रतिष्ठा की मांग कर रहे हैं और कुछ तो ये याद दिला रहे हैं कि हे ईश्वर मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए कम से कम स्वर्ग में थोड़ी सी जगह बनाकर रखना। यह सुनकर वह राजा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बाहर आए और उन्होंने उस राजा से कहा, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो, क्या यहां पर कोई मजाक हो रहा है? इस पर वह राजा कहता है, सच कहा आपने, यहां मजाक ही तो चल रहा है, क्योंकि आप सब यहां पर परमात्मा की पूजा करने नहीं आए बल्कि परमात्मा से धन दौलत नौकरी सुख और स्वर्ग में जगह प्राप्त करने के लिए आए हैं। भला इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उस ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया है, क्या आप उसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकते? बल्कि जो आपके पास नहीं है आप उसके लिए रोते रहते हैं, और यदि ईश्वर ने तुम्हें ये सब भी देना बंद कर दिया तो हो सकता है कि आप ईश्वर से नाराज हो जाएं, आप उसे मनाना भी बंद कर दें, आप उसे बात करना तक बंद कर दें। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा अर्थ क्या है, कहीं तुम यह तो नहीं कह रहे कि मंदिर में ईश्वर नहीं है? इस पर वह राजा हंसते हुए कहता है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता बल्कि मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप ही लोग मुझे बताइए, क्या आखिर वो कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है? राजा का यह प्रश्न सुनकर वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि किसी के पास राजा के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तभी आगे वह राजा उन सभी से कहता है, आप सभी यहां प्रार्थना करने नहीं आते और इसी कारण आप लोगों की प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तो आप भी बता दीजिए आखिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, आखिर प्रार्थना कैसे की जाती है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, प्रार्थना करने के लिए किसी खास स्थान की कोई जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहां पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपको हर जगह से सुन रहा है। और रही बात मेरी, तो जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं ईश्वर से इतना ही कहता हूं, तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहे वह पूरा हो, तू जैसा रखिए वैसा हो, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही है, फिर आखिर मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिक्र करूं, जो तूने दिया है वह बहुत दिया है और अगर तू कुछ देगा तो वह तेरी मेहरबानी है, मैं भी तेरा, यह सब भी तेरा, तू जो करे वह भला है, तू जो करे वह सब ठीक है, तू कभी गलत नहीं करता, दूसरा सही है, अगर मुझ में कोई गलती दिख भी रही है तो वह भी तेरी ही कमी है, हे मालिक तेरा धन्यवाद। राजा की यह प्रार्थना सुनकर सभी लोग राजा के सामने नतमस्तक हो गए और वह राजा से पूछने लगे, आप कौन हो, कहां से आए हो? राजा इस पर जवाब देते हुए कहता है, मैं तो कोई नहीं, सब यही है। राजा इतना कहकर वहां से चला गया और वहां पर उपस्थित एक गुरुवर को राजा की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उन्होंने राजा की इन सभी बातों का अर्थ समझाते हुए वहां पर उपस्थित सभी से कहा, वह हमें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस दुनिया में आपका कुछ नहीं, आप भी अपने नहीं हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्यों सताते हो, आखिर क्रोध क्यों करते हो, किसी को धोखा क्यों देते हो, क्यों किसी को रुलाते हो? याद रखना, इस दुनिया को तुम अपने बाहों में जितना भी समेटने की कोशिश करोगे, हर बार सब कुछ रेत की तरह आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी बताने का मेरा मतलब यह नहीं कि आप अपनी दुनियादारी, अपने काम धंधे, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपने परिवार को छोड़कर
सब कुछ बंद करके अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, बल्कि मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें, जिस प्रकार उस राजा ने सब कुछ जानते हुए भी अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वह बहादुरी से युद्ध लड़ा, जबकि वह जानता था कि यह युद्ध उसके जीवन का आखिरी युद्ध भी हो सकता है। लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा और जब वह युद्ध हार गया तब भी उसने कभी शोक नहीं मनाया, उस बात का उसे तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो खुश था और जानता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ है और आगे चलकर भी अच्छा ही होगा। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में असफल हो रहे हैं और आपको बार बार असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, तो यह जान लीजिए कि आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा गया है। जितना आप चाहते हैं उससे कुछ बड़ा सोचा गया है, बस आपको उसके काबिल बनना है, और जैसे ही आप उसके काबिल बन जाएंगे वह चीज आपको जरूर मिल जाएगी। और इसलिए जो भी आपके पास है इस समय, जो भी आपके साथ है, उसका धन्यवाद करिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि अभी आप जिंदा हो और आपको एक कोशिश करने का और मौका मिला है, और जब तक आप मौजूद हो तब तक कोशिश चलती रहेगी और एक ना एक दिन आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। किंतु आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह कोशिश करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको यह मौका एक बार फिर मिला है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, बल्कि इसका इस्तेमाल करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें और अपनी राह में आगे बढ़े, क्योंकि वह यही चाहता है कि आप आगे बढ़ते रहें और अपने मंजिल तक पहुंचे। वह आपको और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपको असफलता का मुख दिखाया है। वह जानते हैं कि यदि आप आज ही सफल होंगे तो आप आगे चलकर उस बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यही कारण है कि आपको असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। इसलिए इस असफलता से डरिए मत, बल्कि सफल होने के लिए आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को पा लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।